आरजे पल्लवी पॉडकास्ट के सारी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और सुनते रहिए हमारे साथ आज राहुल हल्दार की लिखी हुई कहानी तंत्र रहस्य का पार्ट टू। दोस्तों, आप लोगों का इतना प्यार और इतने रिक्वेस्ट के चलते मैं तंत्र रहस्य का पार्ट टू आप लोगों के पास लेके आ गई हूँ। मैंने बहुत ही मेहनत से ये रिक्वेस्ट करके राइटर से मैंने ये पार्ट टू लिया है आप लोगों को, मैंने ये सीरीज़ लिया है। तो आप लोगों को अगर सीरीज़ सुनना पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी सीरीज़ होने वाली है, तो अगर आप लोगों को इस तरह की सीरीज़ पसंद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं और भी इस तरह की बहुत सारी सीरीज़ लाऊंगी आप लोगों के लिए इन फ्यूचर। फ़िलहाल ये बहुत ही बड़ा सीरीज़ है तो ये बहुत ही लंबा चलेगा, इसीलिए इसको मैंने पार्ट बाय पार्ट लाने का सोचा है। तो आप लोगों के पास अच्छी तरह से पहुंचेगा और आप लोग ये कहानी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मैंने ये पार्ट टू रिलीज़ किया है अभी, और उसके बाद पार्ट थ्री फोर इस तरह से मैं लेके आने वाली हूँ। तो ये पूरा सीरीज़ है, अगर आप लोगों को सीरीज़ पसंद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और मेरी कहानी यानी ओरिजिनल जो पल्लवी आरजे पल्लवी पॉडकास्ट का ओरिजिनल जो कहानी है वो थर्सडे को आने वाली है। और अगर आप लोगों को सुनना पसंद है इस तरह की कहानी, मेरी लिखी हुई कहानी आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट कीजिएगा ज़रूर। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं ठीक से और मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को क्या पसंद है या ना पसंद है। मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट कर रही हूँ लेकिन फिर भी उसमें भी पता नहीं चल रहा है। सो गाइस, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और जितना हो सके मेरे ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तब आज की राहुल हल्दार जी की लिखी हुई कहानी तंत्र रहस्य का पार्ट टू, और फिर बातें करेंगे लास्ट में। आप लोग से थोड़ा बातें करनी है हमको, बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। सो प्लीज़ गाइस स्टे ट्यून और सुनते रहिए आज की कहानी। साढ़े 11 बज रहा है, ट्रेन अपनी गति के साथ रामपुर हाट की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक डेढ़ घंटे में हम वहां पहुंच जाएंगे। इधर साधु बाबा मुझे उस छोटी लड़की के बारे में वो उसके साथ क्या हुआ है बताने लगे। ट्रेन अपनी रफ्तार से गंतव्य की तरफ बढ़ रही है। मैंने साधु से उस लड़की के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की थी, जिसे दिखाकर साधु ने कहा था कि उसके ऊपर शैतानी छाया है। साधु ने बताना शुरू किया। क्या बताया वो इस प्रकार था। कोलकाता शहर से कुछ किलोमीटर दूर बालीगंज में रहते हैं दिवाकर मुखर्जी। वो काम करते हैं एक फैक्ट्री में। उनकी लड़की का नाम प्रियंका है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर बीते एक महीने से प्रियंका में बहुत सारे बदलाव दिखने लगे। वो हरदम गुस्से में रहती, पागलों जैसा व्यवहार करती और हर वक्त ये कहकर रोती कि उसके बच्चे को उसे लौटा दो। और ये तब से हो रहा है जब से वो गांव अपने दादा के घर से लौटी है। रात भर अजीबोगरीब आवाज़ निकालना, खुद को अपने ही हाथों से मारना, ये सब देख उसके माँ और पिताजी ने किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। पर बहुत सारे चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया वो एकदम नॉर्मल है। मात्र एक सप्ताह तक सब कुछ ठीक रहा, पर बाद में और भी भयानक हो गया। घर वाले उसके अजीबोगरीब कामों से परेशान थे, पर एक दिन वो और भी डर गए। हुआ यूं कि उनके घर में कुछ मेहमान आने वाले थे, जिसके लिए मुर्गी का मांस लाया गया था। प्रियंका की माँ जब दोपहर को किचन में गई तो वहाँ पर मांस गायब था। प्रियंका के कमरे में जाकर जो देखा वो डर से सहम गई। प्रियंका खिड़की के पास बैठकर मुर्गी के मांस को कच्चा ही चबा रही थी। मानो किसी जानवर की तरह उसके चेहरे पर अजीब सा शैतानी भाव था। वो पागलों की तरह
हंस रही थी और मांस को चबा रही थी। उस दिन प्रियंका की माँ ने उसे किसी तरह संभाला। इस घटने के कुछ दिन बाद ही फिर एक भयानक काम करने जा रही थी प्रियंका। उनके घर के बगल में रहते हैं आशीष कुमार, उनका एक छोटा बच्चा है नाम तिलक, उम्र अभी 1.5 साल लगभग। प्रियंका अक्सर उसे गोद में लेकर उसके साथ खेलती रहती, पर बीते कुछ दिनों से वो तिलक को गोद में उठाकर उसके शरीर को जीभ से चाटती, मानो उसका स्वाद जानना चाहती हो। एक दिन वो तिलक के साथ खेल रही थी, एकाएक उसके पैर को दांतों से काटने लगी। तिलक के रोने की आवाज को सुन जब उसकी माँ आई तो देखा प्रियंका के चेहरे पर खून लगा हुआ है, वो तिलक के पैर से भी खून निकल रहा है। उस समय पर प्रियंका के चेहरे पर अजीब शैतानी मुस्कान थी, उसकी आंखें लाल वो भयानक लग रहे थे। इसके बाद पड़ोस के सभी ये कहने लगे कि उस पर कोई ऊपरी ही साया है। प्रियंका के माँ को भी यही लग रहा था कि उसकी लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। दिवाकर जी ने ये सब जानकर अपने पिता के बचपन के दोस्त तांत्रिक सदानंद दास को घर बुलाया। तांत्रिक सदानंद जी तारापीठ से तांत्रिक साधना कर चुके हैं, अब कोलकाता में अपने तांत्रिक व्यवसाय को शुरू किया है, जिसमें वही हाथ देखना, भविष्य बताना, लाभ बताना, हानि बताना इत्यादि। जब तांत्रिक सदानंद जी ने यह मालूम किया कि प्रियंका के ऊपर कोई बुरी साया का प्रकोप है, तो उन्होंने कुछ ताबीज व मंत्र से उसको ठीक करना चाहा, पर शायद वो नाकाम रहे। प्रियंका में मानो कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, वो एक मिनट के लिए कुछ अलग होती, अगले ही मिनट वो एकदम ठीक। पर तांत्रिक सदानंद जी ने ये बताया कि उसके ऊपर शैतानी साया है, और ये खुद भी प्रियंका ने बताया कि उसे एक समय किसी छोटे बच्चे के मांस के खाने की इच्छा होती है। उस समय वो भूल जाती है कि वो कौन है, मानो उसके अंदर कोई और आ जाता है। तांत्रिक सदानंद जब प्रियंका को ठीक नहीं कर पाए तो उन्होंने सलाह दिया कि वो अपने गुरु से दिखाकर उसे ठीक कर देंगे। उन्हें अपने गुरु पर पूरा विश्वास था कि वो उसे जरूर ठीक कर देंगे, इसीलिए वो सभी तारापीठ जा रहे थे। अभी कुछ ही देर पहले ट्रेन तारापीठ रोड स्टेशन से आगे बढ़ी है, कुछ ही देर में मैं रामपुर हाट जंक्शन पहुंच जाऊंगा। दरवाजे के पास खड़े खड़े कहानी सुनते हुए न जाने कब एक घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। तारापीठ रोड स्टेशन से भी तारापीठ मंदिर जाया जा सकता है, पर वहां से कुछ ज़्यादा ही समय लगता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग रामपुर हाट जंक्शन पर उतरते हैं, जहां से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं। मेरे मन में कई सवाल और उठ रहे थे कि तांत्रिक सदानंद यानी बाबा के गुरु कौन है, उनका नाम क्या है, पर मैंने कुछ पूछा नहीं, बस इतना पूछा, बाबा प्रियंका ठीक तो हो जाएगी ना? तांत्रिक सदानंद पूरे विश्वास के साथ बोले, जरूर, क्यों नहीं ठीक होगी। मैंने बाबा से विदा लेकर अपनी सीट पर आ गया, क्योंकि ट्रेन स्लो हो गई थी, रामपुर हाट जंक्शन आने वाला था। कहानी को सुनते हुए ये भी भूल गया था कि मेरे पास एक बैग भी है जो मेरे सीट के ऊपर रखा हुआ है, कहीं कोई अब तक ले गया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता। हालांकि उसमें 4 से 5 टी-शर्ट वो पैंट थे और कुछ ज़रूरी सामान। अपने सीट पर आया तो देखा नहीं, बैग ज्यों का त्यों अपने जगह पर रखा हुआ है। कुछ ही मिनट में ट्रेन रामपुर हाट स्टेशन पर आ गई। ये ट्रेन इसके आगे नहीं जाएगी, इसीलिए लोगों की भीड़ हुजूम की तरह स्टेशन पर उमड़ पड़ी। मैं ट्रेन से उतरते हुए एक बार फिर उस छोटी लड़की की तरफ देखा,
देखकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था ऐसा कुछ हो सकता है। उसे जरूर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही होगा। इस बीमारी में एक ड्यूअल पर्सनैलिटी बीमारी भी होता है, जिसमें अपने अंदर किसी दूसरे के होने का आभास होता है। पर एक तरफ तांत्रिक मत भी सही हो सकता है। कुछ हद तक इन विषयों में ये पढ़कर जाना जाता है कि शैतानी ताकतें हमारे विज्ञान जगत के बीच में समाई हुई है, जो दिखाई नहीं देती। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कई सारे बैक्टीरिया वो वायरस हमारे शरीर में है, पर हमें उसके बारे में पता नहीं। एक बार मन में आया इस कहानी का अंत देखा जाए कि प्रियंका ठीक होगी या नहीं, क्या उसके ऊपर सच में शैतानी साया है। हालांकि मैं उन्हें ये थोड़ी ना कह सकता था, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आपकी लड़की ठीक होगी या नहीं ये जानना है। ऐसी घटनाएं वो ऐसे मरीज मुझे पता था यहाँ बहुत सारे हैं। अब सबकी कहानी तो मैं जान नहीं सकता, इसीलिए इसे भी पीछे छोड़ दिया। काश वो तांत्रिक सदानंद के गुरु उसे सच में ठीक कर दें। स्टेशन के बाहर आया तो चारों तरफ माँ तारा के भक्तों की भीड़, साधु तांत्रिक जटाधारी अघोरी तो दिख ही रहे हैं, साथ में भक्तों का दल जो माँ तारा के जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ से तारापीठ मंदिर की दूरी 10 किलोमीटर है, पर भक्ति स्रोत आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। स्टेशन से एक टेम्पो के जैसा गाड़ी पकड़ा और लगभग 20 से 25 मिनट के बाद पहुंच गया तारापीठ। दोपहर के 1 बज रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा लोग इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। ज़्यादातर भक्त सुबह व शाम को ही दर्शन के लिए निकलते हैं। पहले एक होटल में कमरा लिया, प्रतिदिन कमरे का दाम 210 रुपये। हालांकि यह कम पैसा है, पर यहाँ प्रतिदिन माँ तारा के भक्त दूर दूर से आते हैं और दर्शन करके एक ही दिन में चले जाते हैं, इसीलिए प्रतिदिन के हिसाब से आपको रूम मिलता है। अब मैं यहाँ कितने दिन रहूँगा ये मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने 3 दिन का 630 रुपये होटल मालिक को दे दिया। रूम में एक बेड, एक छोटी टीवी और एक टेबल साथ ही लगी हुई है। एक छोटी सी बालकनी जिससे बाहर दिखता है, ये एक प्लस पॉइंट के जैसा था। मुझे लगी थी जोरों की भूख, नीचे आया सामने के होटल रेस्टोरेंट में खाने के लिए, और मुझे पता था यहाँ मुझे खाने के लिए मात्र 40 रुपये खर्च करने होंगे। हाँ, मात्र 40 रुपये। होटल के बोर्ड पर एक लाइन और भी लिखा हुआ है, भरपेट खाना मात्र 40 रुपये में। यहाँ आप मात्र 40 रुपये में तब तक खा सकते हैं जब तक आपका पेट और मन ना भरे। खाने का प्लेट आया दाल चावल रोटी सब्जी चटनी पापड़, पर पूरी तरह शुद्ध यहाँ के कई होटल में तामसिक खाना नहीं मिलता है, मतलब प्याज और लहसुन भी खाने में नहीं मिलेगा। जोरों की भूख लगी थी इसीलिए भरपेट खाया। तारापीठ महाशमशान। भरपेट खाना खाकर 2 घंटे मस्त सोया। जब उठा तो 4 बज रहे थे। थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर निकल गया बाहर। सितंबर का महीना है, इसीलिए मौसम का मिजाज कुछ अच्छा है। शाम को लोग भी बहुत सारे दिख रहे हैं। इस समय देवी तारा के दर्शन नहीं हो सकती, सीधे शाम के संध्या आरती में देवी के दर्शन होंगे, इसीलिए सोचा तब तक महाशमशान ही घूम कर आता हूँ। मंदिर गेट पर पहुंचा तो देखा बहुत सारे लोग अपने बीवी बच्चों के साथ धीरे धीरे टहलते हुए मंदिर में आ रहे हैं। वो सभी संध्या आरती में शामिल होना चाहते हैं। मंदिर गेट के ठीक सामने ही है महाशमशान। इसे महाशमशान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जिसका भी शव दाह किया जाता है वो सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है।
इसी महाशमशान में बहुत सारे अघोरी, तांत्रिक, अघोर, साधु सभी दिख जाएंगे। तारापीठ शक्तिपीठ के साथ साथ सिद्ध पीठ भी है। कईयों का ऐसा कहना है इस महाशमशान में पंचमुंडी के आसन पर बैठकर बीज मंत्र व देवी तारा के नाम का कई लाखों बार जप करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। पर पंचमुंडी आसन का प्रयोग कोई आम आदमी नहीं कर सकता। मैंने सुना है पंचमुंडी का आसन कैसे बनाया जाता है। इसके लिए एक चंडाल का सिर, चंडाल यानी जो प्रतिदिन शवदाह करते हैं, एक नेवले का सिर, एक नाग का सिर, एक सियार का सिर वो एक वानर का सिर, इन पांचों को मिलाकर कुछ 7-8 तांत्रिक बाबा मिलकर मंत्रों के द्वारा परिधि बनाकर पंचमुंडी आसन को तैयार करते हैं। यह आसन उस स्थान पर बनाया जाता है जहां लोगों की बहुत ज्यादा ना हो, जैसे शमशान, जंगल या इत्यादि जगहों पर। अगर जागृत पंचमुंडी आसन पर किसी जानवर या आदमी को बैठा दिया जाए तो वो या तो पागल हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए गुरु शिक्षा के बाद ही तांत्रिक लोग पंचमुंडी आसन पर बैठते हैं, वो साधना करते हैं। इसी महाशमशान में अमावस्या और पूर्णिमा की रात न जाने कितने देवी वो देवी शक्ति की उत्पत्ति वो कई सारे अलौकिक काम यहाँ के तांत्रिक वह घोड़ी करते हैं। महाशमशान के पास वाले रास्ते से मैं द्वारका नदी के किनारे घाट पर पहले गया। इस नदी की भी एक विशेषता है, भारत की सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है, पर यह नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। ये मैंने सुना था, इसीलिए इसके बहाव को थोड़ा सा देखना चाहा। पहले चारों दिशाओं को कन्फर्म किया, फिर ध्यान से नदी के बहाव को देखा। हाँ, सच में इसका बहाव दक्षिण से उत्तर की तरफ ही था। द्वारका नदी के घाट पर बने एकदम मंदिरों को देखते हुए सीधे पहुंचा महाशमशान के उस जगह पर जहाँ चीता जलाई जाती है। यहाँ जो चीता जलाई जाती है उसकी राख कहीं नहीं फेंका जाता। इसी कारण चीता के राख की एक बड़ी ढेर लगी हुई है। किसी भी शव का इसी ढेर पर चीता सजाई जाती है, जो देखने में थोड़ा अटपटा सा लगता है। जब मैं वहां पहुंचा तो एक चीता जल रही थी, जो देखने में काफी हद तक भयानक सी लग रही थी। उसके हाथ पैर दिख रहे थे, जल्दी शरीर के अंग भी दिख रहे थे। लोग इसे देखते हैं और महाशमशान में खड़े होकर ये सब कुछ देखने में डर भी नहीं लगता, क्योंकि कुछ देवी शक्तियां आपके द्वारा देखे गई इन भयानक दृश्यों को कुछ ही देर में आपके दिमाग से मिटा देंगे। यहाँ राख के ढेर पर नग्न पैर आप खड़े भी हो सकते हैं। पास के ढेर पर मैं जाकर खड़ा हो गया, पर मन में कोई भी डर नहीं जागा, बल्कि सब कुछ बहुत ही आसान लग रहा था। उसी ढेर के पास पूरे शरीर में भस्म लगाकर एक जटाधारी बाबा भी ध्यान मग्न थे। जल्दी चीता भस्म के ढेर पर खड़े कुछ आम आदमी, वो पास ही ध्यान में बैठे हुए अघोरी बाबा, ये दृश्य सभी जगह देखने को नहीं मिलेगा। राख के ढेर से नीचे उतर आगे बढ़ा। यहाँ आसपास बहुत सारे साधु अघोरी वो तांत्रिक बाबाओं के छोटे छोटे कुटी बने हुए हैं, जिनमें वो साधना करते हैं। महाशमशान में कुछ और आगे जाने पर एक जगह भक्तों की बहुत भीड़ लगी रहती है। ये जगह है श्री बामा खेपा का समाधि स्थल। पास ही है देवी तारा का पादपद मंदिर भी है। कभी इसी महाशमशान में बामा खेपा को स्वयं देवी ने साक्षात दर्शन दिया था। इतिहास में साक्षात देवी के दर्शन बहुत ही कम लोगों ने पाया है, जिनमें एक सिद्ध पुरुष श्री बामा खेपा भी थे। इन्हें यहाँ माँ तारा पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जब वो जीवित थे तो पहला भोग बामा खेपा को और फिर देवी तारा को चढ़ाया जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि स्वयं बामा खेपा अपने हाथों से देवी तारा को भोग खिलाते थे।
ये बात सुनने में हमारे लिए बहुत ही सरल है, पर कुछ साधु संत यही बताते हुए रो पड़ते हैं कि ऐसा महान शख्स और क्या भाग्य होगा जिसके हाथों से स्वयं देवी भोग खाती थी। यहाँ सभी तांत्रिक एक तरह से उन्हें अपना गुरु मानते हैं, उनका नाम लेकर साधना भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है स्वयं बामा खेपा के दर्शन से आप सिद्ध पुरुष बन जाते हैं, क्योंकि वो एक दिव्य पुरुष ही थे। हालांकि इस बारे में एक साधु ने मुझे बामा खेपा की पूरी कहानी बताई, जो मैं आगे कभी बताऊंगा। कुछ देर एक जगह एक तांत्रिक साधु को देखने लगा। उनके सामने खोपड़ी व कुछ हड्डियां थे। आगे हवन कुंड जल रहा था, पास ही कई प्रकार के सिंदूर वो न जाने क्या क्या थे। जब मैं ये सब देख रहा था, वो बाबा अपने शरीर पर भस्म लगा रहे थे। मैं एक टक उनके सामने रखे खोपड़ी को देख रहा था, तभी उस बाबा ने मुझसे कहा, क्या देख रहे हो बेटा, तंत्र मंत्र सीखना है क्या? मैं एकाएक उनके बोलने से थोड़ा सा सहम गया। आवाज है या फटा बंबू? मैं नाव में सिर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। शाम हो गई थी, चारों तरफ अंधेरा होने वाला था। संध्या आरती देखने के लिए मैं इस महाशमशान से मंदिर की ओर चल पड़ा। उधर से जय माँ तारा की ध्वनि सुनाई दे रही थी। आरती शुरू ही होने वाली है। अभी तक आप लोग सुन रहे थे आरजे पल्लवी पॉडकास्ट में राहुल हल्दार की लिखी हुई कहानी तंत्र रहस्य का पार्ट टू। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही लंबी है। जी हाँ, ये एक लंबा सीरीज़ है, तो ये कहानी को मैं एक साथ तो मैं नैरेट नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं पार्ट बाय पार्ट लाने की कोशिश करूँगी, लेकिन पूरा सीरीज़ ज़रूर आएगा। अगर आप लोग इसके बाद वाला कहानी सुनना चाहते हैं, अगर आप लोग इसका पूरा सीरीज़ सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कॉमेंट कीजिए, मैं पूरा सीरीज़ आप लोगों के पास लेकर आऊँगी और ज़रूर सुनाऊँगी, लेकिन पार्ट बाय पार्ट, जो कि एवरी वेडनेसडे अपलोड होगी। और दोस्तों, मेरा जो ओरिजिनल आरजे पल्लवी पॉडकास्ट की कहानी है, वो थर्सडे को रिलीज़ होने वाली है, तो तैयार रहिए आप लोग वो कहानी सुनने के लिए भी। और वो कहानी सुनने के बाद उस कहानी पर भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वो कहानी आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं, तो मैं उसका अगला पार्ट लेकर आऊँगी, वो भी थर्सडे को रिलीज़ होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर मेरे कहानी के साथ, और भी बहुत सारी नई नई कहानी आने वाली है। अगर सुननी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सुन रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये बहुत मुझे मन में एकदम दुख लग रहा है, सच में मन में दुख लग रहा है। तो चलिए, अगर आप लोग भी मुझे कोई कहानी भेजना चाहते हैं, यानी आप लोग भी कहानी लिखते हैं, आप लोगों को लिखना पसंद है, तो प्लीज़ देरी क्यों कर रहे हैं, आप लोग भी मुझे अपना कहानी भेजिए, आपकी कहानी मैं सबके सामने लेकर आऊँगी। और हाँ दोस्तों, मैं बहुत जल्द मैं अपना फेस रिवील भी करने वाली हूँ, उसके लिए कुछ नहीं करना है आप लोगों को, 1000 सब्सक्राइबर मुझे कर देना है, उसके बाद मैं फेस रिवील करूँगी मेरा, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सामने मैं लाइव भी आऊँ विथ फेस रिवील। ओके, चलिए दोस्तों, बहुत बातें हो गई हैं, अब मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, बहती रहिए।